जो अभी हमने फर्स्ट में व्लॉग छोड़ा था रबीका खान का, वो अभी टू बी कंटिन्यू था, लेकिन अब इसका पार्ट टू आ चुका है। एज पर ऑन योर रिक्वेस्ट गाइज, आई एम मेकिंग रिएक्शन ऑन रबीका खान एंगेजमेंट। Log part 2. So please guys, I need your support, need your love, need your cooperation on this part and as well as my previous vlog. So guys, जिन लोगों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाएं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और हमेशा की तरह अपने बेल आइकन लाजमी प्रेस करना। गाइस, कीप स्ट्रीम दिस व्लॉग एंड माय रिएक्शन वीडियो, सो मूव ऑन। ओके जी, एंड यू आर वाचिंग नेगर रिएक्शन चैनल। तो अभी जी जी, इन दिस वीडियो अभी हाईलाइट है रबीका खान का वीडियो, जो YouTube का जो इंट्रो है वो चल रहा है। उसके बाद देखते हैं जी क्या है जी। टू बी कंटिन्यू पे हमने छोड़ा था, तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज हुआ है, और हमने छोड़ा था जहाँ पे वो वीडियो फ्लावर्स उनको देते हैं। और लो जी, अब इनको एंगेजमेंट की जो रिंग पहनाई जा रही है, बहुत ही अंग्रेजी वाले माहौल में। क्या बात है। हाँ, यहाँ पर ये सीन हमने छोड़ा था, और अब आगे देख रहे हैं क्या होगा। वैसे गिफ्ट का जो सीज़न है वो अभी शुरू किया है इन्होंने, पहले मुझे नहीं समझ, पहले गिफ्ट का सीज़न कभी नहीं शुरू किया, कहीं नहीं शुरू हुआ किसी भी ब्लॉग। हाँ, तुमने मुझे कार्ड क्यों नहीं भेजा भाई? आप लोग देख सकते हैं सारे रश लगा हुआ है पिक्चर्स लेने के लिए। मुबारक भाई, हमारी भी मुबारक कबूल क्यों नहीं कर रहे हो? मुबारक हो, ऐसे ने प्यार की जरूरत है यार। गाइस, जुल्कर नैन ने यहाँ आके बहुत ही जबरदस्त एंट्री मारी, और उनकी वाइफ आ गए, और रियली अमेजिंग, दिस इज सो अमेजिंग। क्या बात है, यहाँ पर मेरी सास मेरी अम्मी ने मुझे बहुत प्यारी सी गोल्ड की चेन दी है, बहुत बहुत खूबसूरत। हुसैन की मदर, सब माओ का ऐसा ही होना चाहिए यार। अरे लिए अप्रिशिएट। हाँ, मदीहा भी हमारे लिए एनवेलप लेके आई है, वो भी क्लॉक टावर के। अच्छा, सलामियाँ हुई जा रही है भाई, हमारी सलामी को भूल करो। तुम साफ सीधा बोल देती बैंक डिटेल्स दे दो, हम तुम्हें दे देते। क्या हो गया, ऑनलाइन कर देते आप लोग? ट्रांसफर करो, जैस कैश कर लो, जैस कैश बता रही हूँ, आधे रबीका के और जैस कैश कर लो। वाह, क्या बात है, सही है, जैस कैश से ही मजा आएगा। थैंक यू हुसैन, ये आपका या मेरा? मम्मा के पास बहुत खजाना आ गया गाइस, बहुत पैसे इनके पास, बहुत पैसे लगे भी हैं। वैसे दोनों बहुत ही ज्यादा शूटिंग जो कमाल की है, मैचिंग की है, और ये क्रिस्टल कलर जो डार्क कलर है, बड़े कमाल है, स्पेशली बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पिक्चर बनाने आ जाओ हुसैन के लिए, सारी चीजें 1 2 3 4 5 6 7 लिए, जो कि इन्होंने खराब कर दिए। बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट दिया है हुसैन को, और क्या बात है, दोनों ने मुझे काफी लग रहे हैं। अब मुझे लड़ते हैं बच्चों की तरह खाना खाने का, हुसैन का अभी भी पता नहीं कहाँ चले गए, वो अचानक खो गए हैं। खैर, खाने में देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। ये भैया पहली पहली बाइट्स निकाल देना मुझे प्लेट में। और क्या सबसे अच्छा, क्या तुमने खा लिया? गर्मी भी है और किसी ने भी नहीं खाया, इनफैक्ट हुसैन की अम्मी ने भी नहीं खाया। और दिखाएं अंकल डिशेस क्या क्या है। खुरैम तो आज इस व्लॉग में आया ही, थोड़ा सा आया है। माशाल्लाह सबने खा लिया है,
इवेंट की सूरत हाल कुछ इस तरह की है, बट थैंक गॉड जिस तरह की पिक्चर्स वीडियोस हमें चाहिए थी वो सब हमने बना ली हैं फाइनली। बहुत गर्मी है हुसैन, देखो इधर से उधर लगे हुए, बाकी व्लॉगर्स को भी इनवाइट करना चाहिए था। बहुत मुश्किल है गाइस इस तरह इवेंट्स में सारी चीजें पिक्चर्स सब ले रहे थे, पता ही नहीं चला टाइम का किस तरह स्पीड से टाइम गुजरा है। इतनी ज्यादा वेराइटी थी मेन्यू में, जिसका इवेंट होता है ना उससे नहीं खाया जाता, खाया क्या जाता, मतलब टाइम ही मिलता क्यों है भाई, जब लोग आते हैं इतने फैंस इकट्ठे होते हैं। और मुझे पता था कि मेरे इवेंट में मेरी काइंड ऑफ डाइटिंग ही चल रही होगी। खैर एनीवेज मैं ही खा रही हूँ प्रॉन्स, साथ में ये पेरी बाइट्स बहुत मजे की है, बहुत ज्यादा। असल में ये ओपन एरिया है ना, तो उस ओपन एरिया में मतलब सारे वगैरह मतलब हर बंदा वो कवर करता है, लेकिन अब जिस तरह के उनकी मेकअप चार्जेस कर रही हूं, लास्ट टाइम ही मैं बर्थडे पे आई थी वो भी इतना टाइम हो गया है उसको, क्या मतलब। और अब तो ये बच्ची बड़ी भी हो गई है, प्यारी सी डॉल। मैं अब आपकी कौन हूं, कौन हूं अब मैं आपकी, आ रवि का चाचा गुज्जा, ये वाले वाले शो। कितने साल की हो गई हैं, 5 इयर्स की हो गई हूं। वो कहां है आपकी छोटू सी बेबी, रवि का चाची। अच्छा वो मैं रख लूं अपने पास या आपको रख लूं, कौन जाएगा मेरे साथ। आप जाएंगी मेरे साथ, मतलब डायरेक्टली आप नहीं जाओगी मेरे साथ, मैं चलूं पक्का। चलो डन हो गया, चलो डन, अब मैं आपके साथ चलूंगी, सही है। यहाँ पर हुसैन ने मेरे लिए कोई सरप्राइज परफॉर्मेंस प्लान की हुई थी, जिसका मुझे एक पर्सन भी आइडिया नहीं था, सबने मुझे सेंटर सबका ही शायद वो होगा इस तरह कम लोगों का, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आए। क्या है सरप्राइज, इतने ज्यादा सरप्राइज, और ये लाली का ही काम हो रहा है। या हुसैन खुद डांस करने वाले हैं, होए 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 होए। ये कौन सा सॉन्ग है भाई, इंस्टाग्राम पे तो किया होगा अपलोड। असल में व्लॉग में ना पीछे से म्यूजिक बहुत ज्यादा है, और ये कॉपीराइट की वजह से नहीं था। क्या बात है हुसैन, तेरी कमाल है यार, तू तो छा गया, ग्रेट, फैंटास्टिक, बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज है। ओह क्या बात है, जबरदस्त है। भाई ये कौन है, हीरो को टाइम मिल गया, हीरो को क्या, दोनों हीरो हीरोइन को टाइम मिल गया गाइस। अब किए ना अपने को ये बात, बहुत मुश्किल है हुसैन, रश था, हर कोई पिक्चर्स वगैरह लेता, जाहिर सी बात उनका हक है, लेकिन हाय हाय दोनों भाई टाइम दो, अब तो सारी लाइफ इनको टाइम मिला। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी तरीके से हुई है। रविका ने जो एंट्री की है ना, कसम से मैंने सुना है उन्होंने गाना गाते हुए आ रही थी, बट शोर इतना था, आवाज इतनी थी, तो मैं ना एक्चुअली वो बहुत सारी ना सिचुएशन बहुत ज्यादा पैनिक हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सम हाउ वी ट्राई टू मैनेज एवरीथिंग, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि गॉड्स प्लान ना, मतलब हमारे प्लान। वैसे इतने लोगों में एंट्री करना, फिर एक दूसरे को यार वो बन रहे थे, और क्या क्या से क्या हो गया है, और क्या से क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं पता, बस आप दुआओं में याद रखिएगा, माशाल्लाह माशाल्लाह जरूर बोलेगा गाइस। बाकी हाँ ये बोल बहुत चली रही है कि मतलब हमारी शादी कंपेयर की जा रही है, माशाल्लाह। आप सच में ऐसा कोई सीन है नहीं, हम लोग ऐसे बढ़ाइयां नहीं मारते, और ना ही हमारा कोई दिखावे वाला सीन है, जैसे मैंने सीरियसली हमारी ख्वाहिश थी, हमारी खुशी थी, जो कि हम स्टिल सेलिब्रेट कर रहे हैं और करेंगे। थोड़ा सा इवेंट था, बहुत ही कमाल का था, खुशी में शरीक हुए, नेगेटिविटी और ये वो से कोई तो आपको पता है कुछ भी नहीं जाएगा, हम लोग देख ही नहीं पा रहे, हमारे पास टाइम भी नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जो अल्लाह के प्लान होते हैं ना, वो ये तो मैंने अपने पहले व्लॉग में बताया था हेटर्स को, यार प्लीज, तो घबराने वाली बात नहीं है, समझ रहे, सब कुछ हर चीज तो मैं लंबी करता हूँ ताकि इनके हाथ वाथ में दर्द हो। इतने टाइम से जो है हम लोग यू नो इतनी ज्यादा, काजी साहब लिफाफा लेके आए हैं हमारे लिए, थैंक यू सो मच, ये दोस्त भी देखो, थैंक यू सो मच, शुगर एक एक, ये लव स्टोरी है, मुझे दिया ना, क्या बात, सबने दिया है, किसी ने नहीं दिया, एक बंदे ने तो दे दिया ना हमारे काजी साहब,
उन्होंने तो दिया है, मेरी यकीन नहीं है। बहुत सारे और बहुत सारे पैसे आएंगे। हम लोग इतने टाइम से प्लानिंग्स कर रहे थे, ड्रेस क्या पहनेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, क्या बात है, वो भी सब कहाँ कैसे, ये सच में हमने तो खैर डिसाइड कर किया हुआ है हमने यार, ये पूरे व्लॉग करने छोड़ा है। आप लोग खुद देखिए पूरे सारे व्लॉग, ये सीन है। बाकी सारा बाकी जस्ट लुक एट अस यार गाइस, कमेंट में भाई शादी का यार बता दो यार। माशाल्लाह तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द। रबीका काशिफ खान सो मच, पता है किस लिए ऐसी बात है। अब तो अरे यार ये बड़ा एक यार ये भी बात है क्या बात चला इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप लोग दुआ में याद रखोगे तो आगे हो जाएंगे। हम बहुत ज्यादा पैनिक अभी भी हैं, देख रहे उनकी दोस्त भी जा रही है यार। यार मैंने एंट्री सीरियसली नहीं की रबीका, मैं आपको बता रहा हूँ नहीं की, मैंने एक स्नैप नहीं बनाया। काश हम लोग वहाँ पे पार्ट नहीं बनाया, एक ब्लॉग का पार्ट तक नहीं बना। मतलब आज वाला इवेंट तो बहुत इम्पी थी, अल्लाह का शुक्र है यार। जैसे हम चाहे थे क्या मतलब आपके चैनल पे ब्लॉग तो आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मिलते हैं रबीका काश खान बहुत जल्द, और चले मैं आपको बताऊंगा बाय। आप ही क्या सारे गाइस, यहाँ पे हुसैन के लिए गिफ्ट्स बनवाए थे मैंने, ये देख सकते हैं आप लोग कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, बहुत मेहनत से मैंने बनवाए हैं, बहुत अच्छी लग रहे हैं। भैया कैसी लगी पैकिंग? वाओ हुसैन इधर आए जल्दी आपके गिफ्ट्स। क्या बात है, इतने प्यारे गिफ्ट यार, फैंटास्टिक यार। रबीका तुम आ गई हो, कितने मजे की लग रही है ना यार। पता है ये बड़ा ना बुरा लगता है कि मतलब जब आप खुद भी क्रिएटिव हो ना तो सामने वाला ज्यादा क्रिएटिव हो जाए वो दिल पे लगता है। पिछली दफा इन्होंने जो मेरी ईदी भेजी थी इतनी ज्यादा प्यारी थी, मुझे लगता मेरी ईदी जो है वो फीकी पड़ गई, इस दफा कुछ अलग हो। अलग नहीं, अब हमेशा ही अलग करते हैं, और ये बहुत बहुत प्यारा है। अब रोना नहीं है, क्या बताना। मिठाई के बॉक्सेस तो देखो, मिठाई के बॉक्सेस देखे, हां क्या बात है, मिठाई का बॉक्स है ना। नहीं नहीं वो वाला दिखाए ना लोगों को, कितना क्यूट लग रहा है ये वाला। सो क्यूट, नाइस यार। ये था हमारा वेन्यू क्लॉक टावर, क्लॉक टावर बाय डीके ने सेटअप किया था ना, और जो वेन्यू था हमारा क्या वो सीरियसली ये तो वाकई में पैकिंग बहुत कमाल। मुझे पता सबको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि कहाँ किया है, कहीं कोई टर्टल बीच पे तो नहीं किया, लेकिन नहीं हमने किसी व्यू पे किया, और क्या ही एम्बियंस लग रहे थे। सेटअप हमने कहीं ज्यादा खूबसूरत सेटअप हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, अच्छे से निमट गया है, सारी चीजें अच्छे से हो गई। आई होप आप लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया होगा, बहुत सारी स्टोरीज लगी हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो बस दुआओं में हमेशा याद रखना है। तो जल्दी से आप पहुँचते हैं घर, बट कहना ये है कि मेरा मेकअप अभी भी अच्छा लग रहा है। सो अब हम लोग निकल रहे हैं, पीछे लाइक वेज है, रियली एंजॉयड। बोलो गर्मियों में बैठ के जाएंगे पीछे, क्या बात है, पीछे थोड़ी बैठे सामान रख रहे हैं, हमेशा दो में याद रखेंगे आपको। अब बस हम लोग घर निकलेंगे, घर का रास्ता भी बहुत लंबा है गाइस। अच्छा क्या बात है, सो गाइज आई रियली होप यू इंजॉय दिस रिएक्शन वीडियो, यू इंजॉय दिस व्लॉग ऑफ रबीका काशिफ खान वेड्स हुसैन तरीन। अभी इनकी इंगेजमेंट कम्प्लीट हो चुकी है जी गाइज, अब ये जो लीगली तौर पर अब हस्बैंड वाइफ तो भी नहीं है, अभी फ्यूंसी है अभी बनी, जो कि उनके अपने व्लॉग में बताया, बहुत ही शर्माने वाले अंदाज से हट के उन्होंने दिल खोल के बता दिया, जो कि पूरी दुनिया से छुपा के रखा था वो एकदम से बता दिया, तो बहुत ही अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए। अब एक बात इस इनकी हिस्ट्री से जो मुझे समझ आई है ना, आप अपने दिल के राज किसी से मत शेयर करो, जब तक वो कंप्लीट नहीं होते ना उसको अपने अंदर ही रखो, क्योंकि नज़र लगने के बड़े चांसेस होते हैं, अगर लग गई नज़र तो आपके सारे अरमान पानी में बह जाएंगे। तो इसीलिए जब तक वो कंप्लीट नहीं होते ना तब तक वो आपके अपने हैं, और अगर आसमान से निकल गए तो वो ख़त्म है।
तो यार बिलीव नहीं होता था, शक होता था, मुझे भी कई दफ़ा शक हुआ था कि यार कभी ना कभी ये एक हो जाएंगे, लेकिन अब वो शक यकीन में बदल गया कि वो एक हो चुके हैं। और दिस ये बात बहुत ही खुशी वाली बात है यार कि इंसान कई महीनों से कई सालों से वो तपस्या कर रहा हो और फिर उसे एक दिन वो फूल और वो चीज़ मिल जाए तो वो कितना खुश होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और जो इंसान की ज़िंदगी के ख्वाहिशात पूरी हो जाएँ उससे खुशकिस्मत इंसान, लकी इंसान कोई नहीं है, दोनों बहुत लकी हैं। और कब से आ रहे हैं एक दूसरे के साथ, अब हमेशा एक ही आएंगे, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और अल्लाह ताला इनको हमेशा साथ रखे, खुश रखे, इनकी हर नेक तमन्नाएँ ख्वाहिशात पूरी करे। और गाइज हम लोग और जो लोग मेरे क्यूट सब्सक्राइबर देख रहे हैं उनकी अगर कोई नेक दिली ख्वाहिश तमन्ना है तो वो नेक तमन्नाओं के साथ अपनी ख्वाहिश को पूरे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोशिश ज़रूर करो। कोशिश करोगे तो हर एक चीज़ मिल जाती है यार गाइज, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसान हार्ड वर्क ना करे तो उसे मिले ना। सो गाइज इस बातों के साथ आपसे इजाज़त जाना चाहता हूँ, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और जल्दी से ढेर सारा प्यार निछावर कर दो। सो सी यू इन द नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो। और आज का ये रिएक्शन खत्म होना चाहता है इस नए अच्छे और व्लॉग के साथ और नई जिंदगी के साथ। टेक केयर, बाय बाय, पीस ऑफ।